YouTube के स्टार His Grace अमोघ लीला प्रभु। मैं बहुत ही आभारी हूँ अमोघ लीला प्रभु का। अमोघ लीला प्रभु ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में हम सब साथ में ही थे, लेकिन बाद में जिम्मेदारियों को देखते हुए हमारे महाराज श्री ने इनको द्वारका मंदिर भेजा और प्रभु जी अभी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं और मोस्ट वॉन्टेड मॉन्क है, चारों तरफ से लोग इनको बुला रहे हैं। जो हमने कहा कि प्रभु जी हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो आज ही प्रभु जी ने ना नहीं हाँ कहा, तो एक बार प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये अनुभूति लेने के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप सब जानते हैं श्री प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि हमें हायर टेस्ट मिले, तो हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। मैं आज मुखर्जी नगर में था, वहां पर 70% जो लड़के थे वो एक ही चीज बोल रहे थे, वो लोअर टेस्ट है ना, वो वाला टेस्ट, आप तो जानते कौन सा टेस्ट, तो वो वाला टेस्ट है, वो उसमें ना हमारा मन बहुत लगा हुआ है हमारा, तो क्या और किताब में हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता हमारा, तो उस टेस्ट से हम कैसे बचेंगे। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें हायर टेस्ट चाहिए और श्री प्रभुपाद ने हम सबको हायर टेस्ट दिया है और आप इस अनुभूति प्रोग्राम के थ्रू हायर टेस्ट एक्सपीरियंस करेंगे। सो वेरियस फ्लेवर्स हैव बीन प्लान्ड एंड प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, तो आप सब यहाँ पर आए हैं, सो गेट रेडी फॉर Mercy Bonanza। आप सब तैयार हैं? नहीं, चलो ठीक है, मैं प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये मत करो भाई से। क्या बात है, लुक ऑन टीवी के आए हो आप लोग, छुपाते हो लेकिन आप। तो ये एक आश्रय बेसिकली जो वर्ड है इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया है, क्योंकि आश्रय का मतलब होता है शेल्टर लेना, है ना। जैसे इस भौतिक संसार में हम लोग सभी लोग एक तीन तापों के धूप में जल रहे हैं, है ना, और हमें क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, एक आश्रय चाहिए। हमारे पास दो आश्रय वेबसाइट है, myashray.com और myashray यूट्यूब चैनल भी है। आप में कितने लोग कनेक्टेड इसमें से, अब आज ही कनेक्ट हो जाइए myashray.com जो है उसमें और myashray यूट्यूब में, इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब आते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक हमारा भक्ति वेदांत पब्लिक स्कूल है जिसमें 70 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, क्लास नर्सरी से लेकर प्ले स्कूल, नर्सरी के जीवन क्लास 1 क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक है, जो डेली स्कूल होता है जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं वैसी है, CBSE का कोर्सेज भी है, 70 बच्चे उसमें हैं। और विश्वास नहीं मानेंगे, हम सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं और बच्चे अभी से ही भगवान का नाम भी जपते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अभी से बच्चे, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये स्कूल महरौली में है, आज से लगभग 15 साल पहले आप उनका भी यही हाल है और मेरे भाई अमोघ लीला का भी यही हाल था। अपन दोनों निकले थे गुरु को ढूंढने, अपन लोगों को तो मिल गया, लेकिन ये नया मॉडल मुन्ना आया, इसको भी गुरु चाहिए, ये भी परेशान है, इसको अक्का बार समझाया रे भाई तेरे को गुरु आसानी से मिलेगा, मेरा बात नहीं माना, अभी क्या बोलता है ना मैं खुद जाएगा और गुरु ढूंढेगा। तो हम चलते हैं मुन्ने की दुनिया में और देखते हैं इसको गुरु मिला कि नहीं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो थोड़ा ट्राई करके देखे भैया मधुकरी क्या होती है, तो जानते क्या कि आप मानेंगे नहीं, हमें लगा कि बड़े गरीब हैं यार बेचारे, क्या पानी भी नहीं पिला पाएंगे, तो लेकिन जानते 2 बाल्टी भर के छाछ ले आए वो लोग,
दो बाल्टी छाछ भर के लिया है और बड़े प्रेम से पिलाया हमें उन्होंने, बोलता बाबा जितना पीना है पियो आप। मैंने कहा ये जमाना तो खत्म हो गया, आजकल शहरों में ये सब दिखता नहीं है, बाहर ये बोर्ड लगाते, भले घर में कुत्ता ना भी हो बोर्ड लगा देते बीवेर और डॉग्स, लोग काटने को दौड़ते हैं। समस्या क्या है शहरों में, एक पड़ोसी जानता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है, बस वो जानते हैं यहाँ पे कुत्ते रहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है बोर्ड बीवेर और डॉग्स लिखा है, भले कुत्ते ना भी रहते हो। फिर क्या बताएं आप।